इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में ओसाइट मैच्योर होता है, तो इस इवेंट को हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं, और यूट्रस का एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, तो इन चेंजेस को यूट्रस में इन चेंजेस को हम यूटेराइन साइकिल कहते हैं। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल। ह्यूमन फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है 28 टू 29 डेज में, और यह काउंटिंग हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम फोर फेजेस में डिवाइड करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, यह फर्स्ट टू फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंटिन्यू रहता है, और इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम डीजनरेट होता है। सेकंड फेज है प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले का फेज, इसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि ओवरी में ओसाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और उससे ग्राफियन फॉलिकल में वह कन्वर्ट हो रहा है। और इस फेज को हम प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो गया है प्रोलीफरेशन के थ्रू, वो दोबारा रीजनरेट होता है। प्रोलीफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीजन, तो एंडोमेट्रियम में सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है और वह फिर से रीजनरेट हो जाता है। यह फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th to 13th डे तक कंटिन्यू रहता है। थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज के दौरान फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और वह सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगा, और यह इवेंट होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट फेज होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन के बाद का फेज, इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि ओवरी में रप्चर्ड जो ग्राफियन फॉलिकल है वह कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम अपनी एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी की वजह से इस फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और एंडोमेट्रियम अपनी सिक्रीटरी एक्टिविटी को एनहांस करता है, और एंडोमेट्रियम फर्दर डेवलप होता है, एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, तो इस फेज को हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। एंडोमेट्रियम का जो सिक्रीशन होता है वह बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, कि अगर एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को यह सिक्रीशंस फीड करते हैं, तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जब तक उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन ना हो जाए। और यह फेज 15th to 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल फोर फेजेस में डिवाइड की गई है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोनल रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान फीमेल की बॉडी में क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो इस फेज के दौरान फीमेल की ब्लड में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स मिनिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, और हमें पता है कि ये दोनों हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी एब्सेंस में एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। एंडोमेट्रियम को जो आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड, वह कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और यही डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फ्लो को कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्री ओव्यूलेटरी फेज के दौरान एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और यह FSH ब्लड के थ्रू ओवरीज तक आता है, किसी एक ओवरी के किसी एक प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के लिए, और यह प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और फाइनली यह डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल में। क्योंकि इस फेज में ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से ओवेरियन साइकिल के इस फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। जब यह फॉलिकल्स ग्रो होते हैं तो इनके फॉलिकुलर सेल्स भी ग्रो कर रहे होते हैं, और यह फॉलिकुलर सेल्स एंडोक्राइन होते हैं तो ईस्ट्रोजन्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और यह ईस्ट्रोजन्स का लेवल धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में बढ़ता है, और यह ईस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम तक आते हैं, एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करते हैं प्रोलीफरेशन के लिए, यानी कि सेल डिवीजन के लिए, और सेल डिवीजन के थ्रू एंडोमेट्रियम अपने आप को रीजनरेट करता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम का प्रोलीफरेशन हो रहा है तो यूटेराइन साइकिल के इस फेज को हम प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं।
जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और यह क्रिटिकल लेवल से ऊपर चला जाएगा तो यह ईस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी पर नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी अब FSH रिलीज करना बंद कर देगी। ईस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी पर दो इफेक्ट एक्सर्ट करता है, एक तो FSH के लिए यह नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी FSH को रिलीज करना बंद कर देती है, लेकिन वहीं यह एंटीरियर पिट्यूटरी पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए या LH के लिए पॉजिटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी LH हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है और फीमेल के ब्लड में LH हार्मोन का कंसंट्रेशन अब्रप्टली इंक्रीज होता है और इसी को हम बोलते हैं LH सर्ज। और यह LH सर्ज ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलस देता है टू अंडरगो रप्चर और यह ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होके सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देता है और इसी इवेंट को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी भी कहते हैं और यह एंडोक्राइन होता है और दो हार्मोन्स रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। यह दो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम तक आते हैं और इसे स्टिमुलेट करते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए और इसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी भी बढ़ा देते हैं, मतलब एंडोमेट्रियम को हर तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए। ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी की वजह से ओवेरियन साइकिल के इस फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं और यूट्रस में एंडोमेट्रियम की सिक्रीटरी एक्टिविटी की वजह से यूटराइन साइकिल के इस फेज को हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। अपने स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इसका आंसर फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बहुत स्कोरिंग होता है और टाइम भी कम कंज्यूम करता है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जान लिया है कि कॉर्पस ल्यूटियम के हॉर्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं और एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और इवेंट्स के लिए नेसेसरी है। अगर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी इवेंट्स रुक जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बढ़े हुए लेवल हैं यह एंटीरियर पिट्यूटरी पर नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करेंगे और LH के सिक्रीशन को स्टॉप कर देंगे और LH कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। यही हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और जब LH ही नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के एब्सेंस में एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा और इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ एक और बात बता दूँ कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट जब हो जाता है तो यह वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस। इस डायग्राम की हेल्प से मेंस्ट्रुअल साइकिल को समराइज करेंगे तो इस डायग्राम में ये 28 डेज की साइकिल दिखाई हुई है। फोर्थ डे तक ये मेंस्ट्रुअल पीरियड दिखाया हुआ है, फोर्थ से 14th डे तक ये प्री ओव्यूलेटरी फेज, 14th डे पे ये ओव्यूलेशन शो किया हुआ है और 14 से 28 डेज तक ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज शो किया हुआ है। ओवेरियन साइकिल देखते हैं तो ये फॉलिकुलर फेज में ये प्राइमरी फॉलिकल लगातार इसकी ग्रोथ हो रही है तो ग्रेफियन फॉलिकल बन गया है और 14th डे पर ओव्यूलेशन वाले दिन ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होकर और इसने सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर दिया है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया है कॉर्पस ल्यूटियम में। एंडोमेट्रियल साइकिल को देखते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान एंडोमेट्रियम की थिकनेस लगातार कम हो रही है, प्री ओव्यूलेटरी फेज में प्रोलीफरेशन की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस फिर से बढ़ रही है और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में एंडोमेट्रियम की फर्दर ग्रोथ हो रही है तो इस जगह पर इन डेज में ये एंडोमेट्रियम ने मैक्सिमम थिकनेस अटेन कर ली है और अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए। अब हार्मोनल चेंजेस को स्टडी करते हैं तो FSH का यहाँ पे लेवल बढ़ा हुआ है प्री ओव्यूलेटरी फेज में, लेकिन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में FSH का लेवल बिल्कुल ही कम है। यहाँ LH को देखिए तो LH का ओव्यूलेशन से जस्ट पहले ये पीक पे पहुँचा हुआ है और इसी को हम बोलते हैं LH सर्ज।
ईस्ट्रोजन का लेवल देखिए तो ये प्री ओव्यूलेटरी फेज में भी प्रेजेंट है क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करती हैं ईस्ट्रोजन, और यहाँ ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में भी ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। प्रोजेस्ट्रॉन का ग्राफ देखिए तो प्रोजेस्ट्रॉन ये प्री ओव्यूलेटरी फेज में बिल्कुल गायब है, लेकिन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन शुरू हो जाएगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का डीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस डायग्राम की हेल्प से मेंस्ट्रुअल साइकिल को समराइज किया है। एक सिंपल से कैलकुलेशन से ओव्यूलेशन के डे को एस्टीमेट किया जा सकता है, लेकिन उसके एस्टीमेशन से पहले हमें कुछ फैक्ट्स को समझना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के चार फेजेस होते हैं लेकिन उनमें से पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज सबसे कांस्टेंट होता है और यह लगभग 14 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। किसी फीमेल की शॉर्टर ड्यूरेशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज से कम की, और किसी फीमेल की 28 डेज से ज़्यादा की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। जो भी नंबर ऑफ डेज हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के, अगर उसमें से हम 14 डेज डिडक्ट कर देते हैं तो हमें डे ऑफ ओव्यूलेशन का पता चल सकता है, हम डे ऑफ ओव्यूलेशन को एस्टीमेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है तो उसमें से आप 14 माइनस कर दीजिए तो 16 आएगा आंसर। यानी अगर हम मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं तो 16th डे पर फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन होगा। एक बात यहाँ और बता दूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी बार PMTs में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। प्लीज़ चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस।